खरगोन जिले के करौली गांव में पति ने पत्नी को कीटनाशक पिलाकर मौत के घाट उतार दिया। हड़कंप उस समय मच गया जब मृतिका की बहन ने इस मामले का खुलासा किया। जिले के बलवाड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम करौली में योगेंद्र नायक ने अपनी 40 वर्षीय पत्नी को कीटनाशक पिला दिया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतिका की बहन ने बताया कि उसका जीजा आए दिन झगड़ा फसाद किया करता था और घटना के दिन शराब के नशे में उसने बहन को कीटनाशक पिलाकर मार दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। बाद में पिला, जबरदस्ती पिलाया, क्या है मामला? ये सुनीता, पति योगेंद्र, उम्र 35 वर्ष, जाति बंजारा, निवासी दौलतपुर, थाना बलवाड़ा, दिनांक 8/10/20 के 10:15 पर सुबह जहरीली दवा पीकर CSC मंडलेश्वर से रेफर होकर आई है, जो ICU में इसको भर्ती किया गया है 10:15 AM पर, जो उपचार के दौरान इसकी मृत्यु 2:10 पर हो गई है। अब मृत्यु होने के बाद मैंने वरिष्ठ अधिकारी थाना बलवाड़ा से PI को बताया और खंडवा में ये जो लड़की के परिजन कहते हैं, ग्राम करौली थाना मुंडी का है, उनको सूचना दी गई मेरे द्वारा और उनके परिजनों को बुलाया गया, बाद PM कराया जा रहा है। लड़की के परिजन आरोप लगाए लड़की की बहन की, हाँ, रतिका के परिजन बोलते हैं कि विवाद होता रहता था इनके दोनों के बीच में। इसकी जानकारी अपन ने भागवत चौकी के प्रभारी को बता दिया था कि देख लो घटना है, स्थल पर जो भी है उनके द्वारा जानकारी जुटाई गई है, बाकी PM कराया जा रहा है, जैसे कार्रवाई होगी बाद में बताई। क्या सुना? प्रधान आरक्षक पिला दिया सर जी, ईंट से मारा रात भर बहू को, 4-5 भाई बैठा ने मारा, मार को फेंक दिया। ये छोरी थी ना, इसको बुलवाओ। हाँ, ये छोरी भी थी, इसके भी, इसको घर में कूट के कुलाड़ा धर दिया, तेरे को काट डालेंगे, अस्पताल से नहीं आएंगे जब तक। बोले तेरा माई बाप को भी बोले फोन मत लगाना, मैं आऊंगा जब तक। तो तू ऐसा नेता है, एक बेटी के बदले में 2 की जान लेता कभी, अगर हमको ठानदार फोन नहीं लगाता वहाँ बलवाड़े से। तो पहले भी एक भाई को मार को घर में गाड़ दिया सर ने, इनके भाई है ये, सगे भाई है उनके, घर में लाश गाड़ दिए, इनके पता नहीं लगने दिए थे, अब दोबारा कर दिया। वो दोबारा कैसे, इनके खाता तो पलटा के देखो तुम रजिस्टर में, 40 पहला, 30 पहले ही देखो कि इनका रिकॉर्ड कैसे, इनके बाप दादा से इनकी उम्र के, इनकी औलाद की उम्र तक देखो रिकॉर्ड पलटा के जाएगा। कहाँ ये शादी का पूछी, शादी का पूछी, शादी 15 होगा होगा सर, बच्चे भी हैं? हाँ, 2 बच्चे हैं, बच्चे की नहीं सोचे सर, वो बच्चे को क्या जाने के बच्चा क्या होता है, कारण क्या, कारण कुछ है माँ, कुछ नहीं कारण, दारू पीते हैं सब बेटा, दारू पीते हैं, दारू आपके दारू पीते हैं, फिर औरत उनको मारता है। ये देखो, ये भी उनकी छोटी बहू है, मेरी मेरी बेटी बरोबर है आपके सामने, बेटा टांग बता बताता टांग तो बैठो, फिर से तो 3 वो वापस आई, फिर से क्या हुआ? सोयाबीन काटने गए थे वो, हाँ? दोनों जन तो 3 वो काट कर वापस आ, अच्छा? गए थे, तो मटन लाए थे और शराब लाए थे 2 बोतल, अच्छा? तो मेरे जीजा ने पी ली और मेरे जीजा ने ऐसा बोला 5 के अंदर अंदर मेरे को सब्जी चाहिए, तो मेरी दीदी ने बोला कि हाँ मैं दे दूँगी, तुम बाहर बैठो। तो रोटी सेकने का चिमटा आता है गैस पे जो सकते हैं, उनसे खींच के मारा मेरा जीजा जीजी को, जीजी को मारा, तो मैंने बोला उनके जीजा क्यों मार रहे हो, बोले तू चुप रहे, बोले तू मत बोल, बोल। तो मैंने नहीं बोला, मेरे को उनके सास ससुरे के घर भगा दिया, उसके उनके माँ बाप के घर भगा दिया, बोले तू जा। फिर सांझ हुई, मेरी दीदी को वहाँ से उनके घर से भगाए, उसके ससुर के घर में छुपी हो, छुप कर रात भर उसमें रही हूँ, और वो जो ईंट आती है उसमें खिड़की आती है, वो खिड़की खोल कर वो कूदने को दौड़ा, तो मेरी दीदी ने दरवाज़ा खोल कर ये कमरे में आ गई, फिर इसने मेरे जीजा ने उसको मारा, उसको मारा और दवा भी पिलाई, और मेरे को बोला तू बोले तेरी दीदी मर जाएगी तो तेरे को मैं रख लूँ, तो मैंने बोला मेरे को क्यों रखेगा, बोले नहीं तेरी दीदी की लाश हुई कि तेरे को मैं मेरे घर में रखूँ, इतना भी बोला मेरे को, बहुत भेजा भेजा मेरे को भी। तो क्या लगता है आपकी दीदी को मारा है क्या? हाँ मारा भी था, कुलाड़ी भी थी, रात भर कुलाड़ी लेके भी सोए बाहर, हमको बाहर भी नहीं इतने दिए घर के अंदर, दोनों बहन को। अच्छा, पहले ही परेशान करते थे तुम्हारे? हाँ, पहले भी परेशान थे, 4 की लड़ाई हो रही है।
ये घटना जो हुई आपके सामने ही हुई। हाँ, जो ये भाई बेटे हैं ना, उनकी घरवानी है वो, तो उनके भानिज के वास्ते भी लड़ाई हो गई थी। तो तालाब में गिरने गई थी मरने के लिए, देखो उनके जंग में भी लगे, इसका पति ने भी मारा। और पहले भी इनको प्रताड़ित कर दिया? हाँ, पहले भी मारे थे मेरी दीदी को, इसके बदले में मेरी दीदी मारते। तो मैंने बोला उनकी घर की लड़ाई मेरी दीदी को क्यों मार रहे, बोले तू ज़्यादा मत बोल, तेरे को भी काट लेंगे। ऐसा बोला भाई, इतनी सी बात है, तू ये बात कहीं भी पूछ लेना, मैं बोल दूँगा। तुम्हारे गाँव में भी ये पता है? हमारे गाँव में भी हंगामा मचाते थे, हमारे गाँव में। क्या नाम होती है? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।